किस विद्यालय का विद्यार्थी हो? संस्कृत मध्य विद्यालय। अच्छा, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है आपको? कौन है, पहचानिए इसको। इस तस्वीर में कौन है? पीछे भी एक तस्वीर है, पहचानिए। पहचान रहे हैं आप? पहचानिए, बाबू को दीजिए। अब्दुल कलाम। कौन है बाबू? अब्दुल कलाम। तुम्हें हो? अच्छा, वो लोग पीछे भाग रहे हो तो हमेशा पीछे हो जाएगी, आप उन लोग से आगे हो जाइए, कोई बात नहीं। अच्छा, विद्यार्थियों को प्रश्न से भागना चाहिए? मेरे पास जो तस्वीर है पहचानती हैं? पहचानिए। एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम है ना? जानना चाहिए कि नहीं जी? जानना चाहिए। बड़े होकर क्या बनना है आपको? डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश बहुत मजबूत करना होता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और बड़े बड़े साइंटिस्ट है, तो गरीब विद्यार्थियों और बच्चों को इनके बारे में जानना चाहिए और इनके जैसा बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ना। तो इसी उद्देश्य के साथ हम वीडियो बनाते रहते हैं। पढ़िए, आप लोग पढ़ के बताओ। देखिए, क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं बेशक जानना चाहिए ना जी। संबंध में बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना? क्यों नहीं, अब तो शिक्षा विभाग बहुत अच्छा होने लगा धीरे धीरे। यूपीएससी क्वालिफाई करके शिक्षक आए हैं यहाँ, सभी लोग हैं, बच्चे सब लोग पहचान गए किसकी तस्वीर है? और पीछे कौन है? पीछे एक और साइंटिस्ट है। ये होमी जहांगीर भाभा है और न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मतलब जानती हैं आप? परमाणु बम नहीं जानती हैं? जो परमाणु बम का खोज किए हैं वही ना? न्यूक्लियर उस क्षेत्र में काम किए हैं, नोबेल प्राइज विजेता है। और हर विद्यार्थियों को जानना चाहिए, किस विद्यालय के छात्र हैं आप लोग? संस्कृत मध्य विद्यालय मोहनिया। अच्छा, वहाँ यहाँ के इंग्लिश शिक्षक कौन है? नेहा मैम। हम लोग में नीति मैम। अच्छा, इंग्लिश के टीचर स्पेशली कौन है? निधि मैम। तो मैम से जाकर पूछिएगा, मैम हाँ हम लोग का इंग्लिश कमजोर है और हम लोग का इंग्लिश कैसे मजबूत होगा, जाकर आप बात कीजिएगा ना। यस सर। आप लोगों के माता पिता के टैक्स के पैसों से उनको सैलरी मिलती है, उनकी सैलरी 40 से 50 हजार रुपया होगी। हाँ है। है ना? तो जिस शिक्षक को 40 से 45 हजार रुपया आपके पिताजी के पैसों से टैक्स मिलता है, तो आप लोग लड़के उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए, शर्माइए नहीं। और हम अगले बार आपसे बात करेंगे तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक? ठीक है, सुनवाते नहीं है। सुनवाते हैं ना? नहीं, हम सुनवाते नहीं है, कुछ भी सर मैम से पूछते हैं। पूछती है ना? तो इंग्लिश आप लोग मजबूत कीजिए, तब डॉक्टर बनिएगा, ऐसे नहीं बन पाइएगा, ऐसे पीछे ही रह जाइएगा। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। स्कूल की हालत कैसी है? अच्छी है। हालत कैसी है, झूठ मत बोलिए, विद्यार्थियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी खराब भी नहीं है। अरे कैसी है, स्कूल के विद्यालय टूटा है कि नहीं? टूटा है, टूटा है। अच्छा, प्रिंसिपल सर बनवाने के लिए कोई एप्लीकेशन दी आप लोगों को? पता है जी। अच्छा, विद्यार्थी को भागना चाहिए प्रश्न से? नहीं। तो आप लोग सर से पूछिए कि सर हमारा विद्यालय कब तक बन जाएगा? पूछते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं उस महीने में, वैसे ही करके डालते रहते हैं। संस्कृत मध्य विद्यालय के आप लोग छात्र हैं और स्कूल टूटी हुई है ना? पंखा है? नहीं। पंखा है? दो क्लास है पर बिगड़ा। लाइट है। चलिए, बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। और इंग्लिश अपना मजबूत कीजिए हर क्षेत्र में।